अच्छा खाना सीखने के लिए मेहंदी डिजाइन, दुल्हन का मेकअप, ये सब सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आज हम बनाएंगे स्वीट कॉर्न का सूप, मतलब भुट्टे का सूप। चलिए, भुट्टे को हम छील लेंगे, दो कटोरी छील लेंगे और एक कटोरी मिक्सर की जार में डाल लेंगे। एक कटोरी हम अलग से रखे रहेंगे उसका बीजा, और उसमें एक कटोरी पानी डाल दो। अब इसे हम अच्छी तरह पीस लेंगे। मक्के का पेस्ट तैयार है हमारा। अब हम कटी हुई गाजर, मकई जो हम रखे थे एक कटोरी अलग से, वो एक बॉल ले लेंगे, उसमें पानी डाल देंगे 2.5 गिलास। अब कटी हुई गाजर डाल देंगे, जो एक ये रखे थे अलग से कटोरी में, दाने डाल दिए मकई के, उसे अच्छी तरह खुला लेंगे गैस में। अब ये जो पेस्ट तैयार है, अब इसे भी हम पूरा इसमें डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, 4 या 2-3 चम्मच शक्कर डाल देंगे। मैं छोटा चम्मच है इसीलिए 4 चम्मच डाली हूँ। ये मक्का का आटा 1 चम्मच डाल देंगे बड़ा चम्मच में। इसे अच्छी तरह मिला लेंगे गाढ़े होने के लिए, और ये चाट मसाला हो तो चाट मसाला थोड़ी सी डाल देंगे। मेरे पास सूखा धनिया है, मैं सूखा धनिया डाल दे रही हूँ। पीसी हुई काली मिर्ची डाल देंगे, नहीं है तो पीस के भी डाल सकते हैं काली मिर्च 2-3। अभी इसे अच्छी तरह खोलाएंगे, इसके बाद ऊपर में जो परत जम रही है ये मोटे मोटे, उसको हम ऊपर से निकाल लेंगे ताकि हमारा जूस अच्छा बन के रेडी हो जाए। अब इसमें हम बटर डालेंगे थोड़े टुकड़े, देख लो। इसे घुमा लेंगे फिर से। अब हमारा सूप रेडी है, ये देखो 10 मिनट में सूप बन के रेडी हो गया। आप भी मक्के का सूप ज़रूर बनाएं घर पे, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, बना के और पियो। अच्छा खाना सीखने के लिए मेहंदी डिजाइन, दुल्हन का मेकअप, ये सब सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।